संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 9 अगस्त को जनपद के 52 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में क्रमशः प्रथम सत्र प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय सत्र अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जानी है, जिसमें कुल 25,800 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा को स्कूल सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा के नोडल अधिकारी व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में केंद्र प्रतिनिधि केंद्र प्रभारी की बैठक गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा भवन में संपन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी आर के श्रीवास्तव ने कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में सुचितापूर्ण नकल विहीन सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु जोनल मजिस्ट्रेट सचल दल प्रभारी परीक्षा अवधि में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर निरंतर रूप से भ्रमण करके परीक्षा को नकल विहीन निष्पक्ष एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के साथ साथ उक्त तिथि को महानगर क्षेत्र में परीक्षार्थियों की होने वाली भीड़ के दौरान शांति व्यवस्था की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखेंगे। एडीएम सिटी ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकॉल एवं निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षा से संबंधित अन्य कर्मी का इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा शारीरिक तापमान लेने के साथ ही मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जिले के बीएड 2020 प्रवेश परीक्षा के संयोजक प्रोफेसर राजवंत राव और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, गोरखपुर चरण लाल चौक पर आपकी ड्यूटी लगी है। श्री मनोज कुमार सहायक लेखाधिकारी कार्यालय जिला विकास अधिकारी, आपकी ड्यूटी वहाँ 12 मुस्लिम गांव। श्रीमती पूजा सिंह परिहार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहजहाँ, आपकी ड्यूटी शाहजहाँ में लगी है। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय डिग्री कॉलेज शाहजहाँ में स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र पर रहना है। प्रतिनिधि जिनकी ड्यूटी चेंज हुई है, लगभग लगभग सारे लोगों को सूचित भी टेलीफोन से कर दिया गया है, लेकिन पुनः एक बार संज्ञान में ले लें। केंद्र प्रतिनिधि का कार्य होगा जो हिसाब बताएंगे वहाँ देखेंगे, और कहीं कोई भी समस्या का सामना करके हो रहा हो तो बाकी लोगों का नंबर होने वाली सही प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की तैयारियों के अंतिम रूप देने के लिए आहूत की गई बैठक में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रधान आपके प्रतिनिधि सभी केंद्र थे पर्यवेक्षक केंद्र अधिकारी और जो भी इस परीक्षा से जुड़े हुए लोग यहाँ का अपना अपनी तरफ से और मंडल केंद्र की टीम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। परसों यानी 9 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाले इन तीनों जगह पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को दी गई है। आप सभी लोग पहले भी बीए का प्रवेश परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करा चुके हैं और हमें जो विश्वास है कि वर्तमान की मुश्किल परिस्थितियों में भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 का त्रुटिहीन और सुचितापूर्ण आयोजन आपके सहयोग से हम पूरा कर सकें। परीक्षा के आयोजन संबंधी सभी जानकारी दिशा निर्देश पुस्तिका जो कि आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है वे आपके पास मौजूद है। अगर किसी के पास नहीं है तो हमारे कर्मचारी लोग बुक लेकर आपके हॉल में हैं, जिसके पास भी नहीं है वो हाथ आकर उन्हें बुला सकता है और पुस्तिका हमें पढ़ने के लिए दे सकते हैं। मीटिंग को ज़्यादा आगे न खींचते हुए मुझे लगता है मेरी जानकारी है सभी केंद्राध्यक्ष अपना मेटीरियल ले चुके हैं। सबसे पहले जो जरूरी बात है कि आपने अपने चेक प्राप्त कर लिए होंगे और चेक जो मिले हैं आपको अपने परीक्षा केंद्र पे जैसे संबंधित उनको आप आज ही जरूर कैश करा लें। गोरखपुर विश्वविद्यालय की इलाहाबाद बैंक शाखा है यूनिवर्सिटी चौराहे पर, वहाँ पर जाके आज ही कैश करा लें क्योंकि कल सेकेंड कर रहे बंद रहेगा। मैं बता देता हूँ फोन से वह 11 केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो 11 केंद्र वो हैं, दिल्ली में पीजी कॉलेज के 3 केंद्र हैं और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 3 केंद्र। इसके अलावा
कार्पल तो वो आप नोट करके रखिए, अभी जब उसको दूर करने की बात होगी तो आपकी क्वेरी यहीं से दूर की जाएगी। मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे नोडल समन्वय प्रोफेसर रंजन राव जी। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का मैं स्वागत करता हूँ और उनकी अद्भुत कर्तव्य निष्ठा एवं कृपा को मैं, इस भाव को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत विकट परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियों में आप लोगों ने ये कमान संभाला है। इसके साथ ही जिला प्रशासन से आए सिटी मजिस्ट्रेट एवं सिटी साहब, उच्च शिक्षा अधिकारी DIMS एवं लखनऊ से आए हमारे प्रतिनिधि लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, सभी बातें करीब करीब चाह साहब ने बता दिया है, दो तीन दिन सभी काम आप पहले कर चुके, दो तीन बातें नहीं होनी चाहिए, एक वो अक्षम्य गलतियां हैं उस पर अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन करेंगे केंद्राध्यक्ष लोक आदर्श। एक तो ये कि प्रवेश पत्र और लड़के का फोटो मिलान आवश्यक, किसी दूसरे के स्थान पर दूसरा लड़का न बैठे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये अक्षम। दूसरी बात, दूसरी गलती कभी कभी हो जाती है, एक तो जो OMR सीट की प्रथम प्रति और द्वितीय प्रति यह लड़के से लेनी है केंद्राध्यक्ष को और हर प्रति देनी, कभी कभी जल्दीबाजी में ये होता है कि द्वितीय और तृतीय पत्र इनिजिलेटर ले लेता है और प्रथम पत्र प्रथम प्रति OMR की लड़का ले लेता है। ये भी अक्षम्य है ये कि सही OMR यानी OMR की प्रथम प्रति और OMR की द्वितीय प्रति लेना। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि पैकेटिंग की व्यवस्था आपको केंद्र प्रति महोदय अभी बताएंगे कि मैं करके, यदि आने में देर हो तो ये पहले से ही संपर्क करके केंद्राध्यक्ष बुला लेंगे, पूछते रहेंगे और आप जरूरत का भी धर्म है कि वे केंद्राध्यक्ष से बात करके पूछेंगे। पर्यवेक्षक अपनी गोपनीय आज्ञा के साथ मुहर कमेटी सेक्शन में, जो कमेटी अनुभाग है, वहां सौंप कर अपना चेक प्राप्त कर साथ में सभी केंद्र अध्यक्षों सेक्टर मजिस्ट्रेट जिन्हें केंद्र प्रतिनिधि का नाम दिया गया है और अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर उपलब्ध हैं तो वो भी प्रेस बंधु और सभी संबंधित अधिकारीगण कर्मचारी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताई दे रहा हूँ, बुकलेट से ही ये चीज़ें ली गई हैं, लेकिन आपके संज्ञान में रहेगी तो वो महत्वपूर्ण आपकी मदद करेगी। परीक्षा 9 अगस्त को होनी है, ये चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, किसी भी लैब्स को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया है। परीक्षा होनी है तो होनी है और फिर बुकलेट के डायरेक्शन के साथ होनी है। 9 अगस्त को प्रथम पाली 9 से 12 बजे के बीच में है और सेकेंड पाली 2 से 5 बजे के बीच में है। एक परीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है DM साहब की तरफ से, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव नोडल अफसर जिसमें नगर अधिकारी के नाम से नामित किया गया है। फायर एजुकेशन अफसर आपके साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं, AIS साहब हैं मंच पर बैठे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के नोडल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राव भी मेरे राइट साइड पर बैठे हैं। सभी केंद्रों पर सीनियर मजिस्ट्रेट स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में लगाए गए हैं
सेंटर में सारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और बुकलेट में दिए हुए सारे निर्देशों को उनको पालन कराना है और केंद्र अध्यक्ष से पूरे कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाकर ये परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से कुशलता के साथ और नकल के लिए सीएम सिटी है एक भी एग्जाम्पल नकल का आने के बाद बहुत ही गंभीर समस्या क्रिएट होगी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी खतरनाक होंगे, इसलिए नकल विहीन परीक्षा होनी है ये सुनिश्चित किया जाए। राजवंत राव जो उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड परीक्षा हो रही है उसका समन्वय, ये आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 के आयोजन के संबंध में जो 9 अगस्त को प्रारंभ हुई उन्हीं की बैठक चल रही है और ये इसमें केंद्राध्यक्ष आए हुए हैं सभी 52 केंद्रों के और प्रत्येक केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर्स हैं वो भी आए हुए हैं तो 104 की संख्या में। इसके अतिरिक्त स्टैटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो मजिस्ट्रेट यानी 2 केंद्रों के बीच सामग्री को ले जाने और ले आने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट यानी प्रत्येक केंद्र पर 1 मजिस्ट्रेट रहेंगे उनकी भी व्यवस्था की गई है। और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ? दिशा निर्देश एक तो कोविड-19 के तहत ये दिया बताया जा रहा है कि प्रत्येक केंद्र में थर्मल स्कैन करके ही परीक्षार्थी को और उसे सैनिटाइज उसका हाथ वगैरह सैनिटाइज करके मास्क बिना नहीं पहना है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रत्येक केंद्र पर मास्क की भी व्यवस्था की गई है। इन केस यदि कुछ लोग मास्क कोई लड़का नहीं पहन के आता है थर्मल स्कैन में स्वस्थ है तो उसे मास्क पहना के अंदर उसकी बैठने की व्यवस्था की सब। इन केस यदि कोई किसी की शरीर गर्म होती है तो उसके लिए भी अलग कमरे में व्यवस्था की जाएगी, कमरे को सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया है और सैनिटाइजर और सभी कोविड को दृष्टि में रखते हुए व्यवस्था की। 52 सेंटर में गोरखपुर में 5 गोरखपुर में 25,700 बैठक। आज ये बैठक यूनिवर्सिटी में बीएड लखनऊ यूनिवर्सिटी के निर्देशन में जो संपादित किया जा रहा है 9 अगस्त को 2 पारियों में एग्ज़ाम होना है, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5। उसमें सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट सारे प्रिंसिपल जिन्हें केंद्र अध्यक्ष का नाम दिया गया है सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो केंद्र प्रतिनिधि होंगे और जो ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक वीसी साहब के अप्रूवल से रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने लगाए हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए रिप्रेजेंटेटिव साहिबान की आज एक बैठक थी जिसमें परीक्षा के सफल संचालन सुचितापूर्ण किए जाने और नकल विहीन प्रत्येक दशा में संपादित किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश देने की ये बैठक की गई थी और अधिकांश लोग इसमें उपस्थित थे। अभी चेक कराते हैं कोई अनुपस्थित है। इस परीक्षा में लगभग 25,000 से 26,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। कितने परीक्षा केंद्र? 52 परीक्षा केंद्र हैं जो फुल्ली सैनिटाइज किए जाएंगे। हर बच्चा मास्क लगा के आएगा, सैनिटाइजर लेके आएगा, अपने ग्लव्स भी लाएगा। अध्यापकों से हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मास्क कुछ एक्स्ट्रा सैनिटाइजर व्यवस्था रहेगी और सभी इन्विजिलेटर्स अपने कक्षवार भी एक सैनिटाइजर की बॉटल अल्कोहल जिसमें कम से कम 70% से ऊपर हो वैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। केंद्र और फर्नीचर दोनों सैनिटाइज होंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये परीक्षा कराई जाएगी।